जला रही है दूर रहो भाई। लुक में तो ज्यादा फर्क नहीं है 19 भी, पर पावर इनसेन पावर है भाई इनके लिए। तो जो भी डिलीवरी बॉय है ना भाई, इनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है। तो ये रे भाई अपने स्वागत है। तो आज अपने पुराने स्टाइल से बोले तो इंट्रो लिया जा रहा है, बिकॉज यार अंधेरा हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं एंड अभी ऑफिस से अपने घर जा रहा हूँ एंड अपने ऑफिस बॉय हूँ। अभी लुक इतना अच्छा खासा नहीं हो रहा अपना, तो मैंने वही सोचा ऐसे इंट्रो लिया जाए एंड अंधेरा भी हो चुका है, शक्ल भी इतनी अच्छी खासी नहीं दिख रही होगी एंड अभी मैं फादर को लेने जा रहा हूँ। मैं फादर का फोन आया कहाँ पे, मैंने कहा इधर हूँ, तो फादर ने कहा यार मेरे को भी उठा ले, दोनों साथ घर चलेंगे। तो अभी फादर को लेने आया हूँ अपने एंड भाई अपनी ओला हो चुकी है क्रैश। अभी तक क्रैश नहीं, 2 साल हो गए, 50,000 किलोमीटर का मैं मतलब 50,000 किलोमीटर भी कंप्लीट हो चुके हैं एंड उसका ही मैंने व्लॉग बनाया भाई साहब। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अपने फादर आ चुके हैं सामने से, फादर साहब। तो भाई अपने फादर साहब को बैठा लिया, अब निकल रहे हैं दोनों घर एंड अपनी ओला हो चुकी थी क्रैश भाई साहब। बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बोले तो आज तक अभी क्रैश नहीं, जब से मैंने इसको लिया है 2 साल बाद अब जाके क्रैश हुई है ना, और 50,000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद क्रैश हुई है भाई। बहुत मैं क्या बताऊँ गाइस, बहुत ज़्यादा दुख हुआ एंड कैसे क्रैश हुए वो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो बैक टू टॉपिक में आता है जिसके लिए मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो आप लोगों से कुछ जानना था, बिकॉज फ्यूचर में ना मेरे को बाइक ज़रूर लेनी है। तो बाइक से याद आया भाई ये बाइक भी अच्छी है, तो बोले तो मेरी जो बाइक लिस्ट है ना फ्यूचर में, तो उसमें से ये वाली बाइक भी है, देख सकते हो सुजुकी। ये बाइक बोलो सुजुकी 250 बोलो, दिखने में भी बल्कि अच्छी है, बोले तो लो बजट है। मेन चीज मेंटेनेंस बहुत प्यारा है इसका, बोलता JTM एडवेंचर में जाता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाती है एज आ बोलता मेंटेनेंस में, बट सुजुकी का इतना मेंटेनेंस नहीं है। तो मेरी फ्यूचर जो बाइक है ना बहुत जल्दी लेने वाला, उसमें से एक लिस्ट में ये भी है और 2-4 बाइकें और भी है, बट कन्फ्यूज़ हो गए उससे। पल्सर NSZ 400 आई है भाई साहब। लुक में तो ज़्यादा फर्क नहीं है 19 भी, पर पावर इनसेन पावर है भाई एंड सबसे मेन चीज़ उसका प्राइस बहुत ज़्यादा चीप है एज अ कम्पेयर टू अदर ब्रांड से कंपेयर किया जाए 400 cc कैटेगरी में भाई सब बहुत ज़्यादा कम है। बोले तो 180 तो एक्स शोरूम है, अराउंड 2 पार जाएगी कहने का मतलब, बट तभी भी देखा जाए बहुत ज़्यादा कम है एज अ कम्पेयर टू 400 cc के। तो मेरा भाई दिमाग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका है। तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि पल्सर 400 में मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एज अ कम्पेयर टू डोमिनार, या डोमिनार भी बहुत महंगी आती है, डोमिनार भी 400 cc के, बट ऐसा NS से देखा जाए कंपेयर किया वो भी बहुत महंगी है, पर NS भाई इतनी सस्ती निकाली एंड मार्केट में भाई साहब अलग ही परमाणु बम मारा भाई साहब बजाज वालों ने ये प्राइस पे निकाल के, भाई दिमाग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया, होच पोच हो गया है। तो भाई प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना कि मेरे को पल्सर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अभी तो लॉन्च हुई है देखते हैं मार्केट में कब तक आती है। तो भाई अंधेरा हो चुका है एंड अभी अंधेरा होने का आती है, अभी भी भाई साहब दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी हो रखी है, जाम तो दिल्ली के जाम मार रखा है भाई साहब, इतना गंदा जाम लगता है दिल्ली में एंड अराउंड मेरे ऑफिस से मेरे घर तक बोलते 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर में भाई साहब मेरे को 1.5-2 घंटे ईजिली लग जाते हैं शाम को पहुँचते एंड बस में मैं सोचता जाने के बाद बस में 3 घंटे लग जाएंगे भाई बस में तो गलती से सोच नहीं सकता मैं, बट मेट्रो से जाने के सो मेट्रो में तो टाइम से पहुँचोगा ऐसे 45 या मैक्स टू मैक्स 1 घंटा। भाई मेट्रो की जो सीट है ना प्लास्टिक वाली यार, इतना लंबा सफ़र नहीं हो पाता उस प्लास्टिक वाली सीट में बैठ के, अनकंफर्टेबल वाली फील आती है। तो भाई जाके मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम में फॉलो करो एंड थैंक यू सो मच जो आपने इतना प्यार दिया है मेरे को इस जो लास्ट वीडियो निकाली है मैंने बोले तो ओला के ऊपर। भाई साहब अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों ने शेयर किया, भाई हमने इतने ये चला चुके हैं अभी तक ट्रांसपोर्ट कोई दिक्कत नहीं आई, तो बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए भाई साहब उसके लिए थैंक यू सो मच, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए उसके लिए भी थैंक यू सो मच। एंड जाके कमेंट करना इस बार का भाई साहब 100 कमेंट का टारगेट है, जल्दी से जल्दी उस टारगेट को कमेंट बोल दो, जल्दी जल्दी उस टारगेट को कंप्लीट करो, अगर आप कंप्लीट करो तो नेक्स्ट वीडियो में ओला के ऊपर लेके आऊँगा। एंड गाइज मैंने रैपिडो वाली भी निकाली है ओला के ऊपर, वो भी ब्लॉग मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, उतना अर्न किया कितना नहीं अर्न किया मैंने वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो ब्लॉग बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा है, मैं निकालूंगा बहुत जल्दी ब्लॉग, तो शायद आई थिंक सो इसके बाद मैं ब्लॉग वो डाल दूँ। तो भाई अभी बात है दिल्ली में बहुत गंदा जाम है, बहुत भयंकर जाम लग रखा गाइज, एंड बगल में अपने रेड बस भाई जला रही है, दूर रहो भाई, बहुत गंदा भाई साहब भपका आता है इन वाली बसों से भाई साहब, रेड और एक ब्लू बस, इनके पीछे गलती से आप लग गए ना भाई साहब तंदूर बन जाओगे। एंड गाइस यार अपनी ओला ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए भी और एज अ कंटेंट के लिए भी बोले तो बहुत ज़्यादा कंटेंट भी निकाले अपने ओला ने। तो बिग थम्स अप जो जो ओला लवर है जाके सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और एक लाइक तो बनता है इस वीडियो में
एंड बोलते वो एपिसोड बोलते कंटेंट से याद आया गाइस, जो पहले मैंने बीच में एक कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था जो स्पीकर प्रैंक थे, बोलते तो स्पीकर मतलब मीम्स चलाता था मैं, बंदों के रिएक्शन लेता था। अगर आपको वो चाहिए ना तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना, तो कहने का मतलब वैसे ही वापस से ब्लॉग लेके आऊँ मैं तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना। भाई बहुत लंबा जाम है ये, कम से कम होगा अराउंड 3 किलोमीटर जाम होगा ये अभी। एंड हैट्स ऑफ ज़ोमैटो बॉय, इनके लिए तो जो भी डिलीवरी बॉय है ना भाई, इनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है। ये देखो बंदा भाई साहब इतने जाम पे भी डिलीवरी मार रहा भाई, हैट्स ऑफ है भाई। गर्मी में यार हालत ख़राब हो जाती है, ये चीज़ मैंने भी करी है, तभी मैं अपना पर्सनल बोलता हूँ एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। 2000 years later तो ये रे भाई अपने, भाई 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 क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्रैश हो गया ये तो, क्रैश हो गया, अरे ये क्या क्रैश हो गया ये तो। All my friends are toxic, all ambition is so rude and always negative.